नमस्कार दोस्तों हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि जी हाँ दोस्तों आप हमारा टॉपिक है कि वर्तमान आयु से जाने अपने जीवन का क्या हाल होगा ठीक है दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि करंट टाइम में से आप लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो भागते हो रहते हो कि प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रहा क्या समस्या है तो वो चीज़ आपको इस विधि से पता चल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीका है और आपको पसंद भी आएगा दोस्तों और सबसे पहले मैं ये कह दूं दोस्तों कि प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जोर कर दीजिए चैनल के नीचे एक रेड बटन है और उसको प्रेस कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से ना कोई फ़ीस लगेगी ना कोई पैसा लगेगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में एक रिंग बेल होगी और जिसको ताकि मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं आपको एक लाइव कॉलिंग का दूँगा ताकि आप लाइव कॉलिंग के जरिए आप मुझे से अपने सारे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं उसको मैं आपको लाइव कॉलिंग में जवाब दूंगा ये बहुत जल्दी ही रखूंगा ये मैं सेशन ताकि आप लोगों की जितनी प्रॉब्लम आ रही हो वो शॉर्ट आउट होते हैं और दोस्तों कोई भी समस्या हो तो मुझे मेल जरूर करिए मेल करिए नितिन फाइव फोर नाइन ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए नितिन फाइव फोर नाइन ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर दोस्तों ये टॉपिक आज मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आप लोग बहुत सारे परेशान होते हैं और मेरी कुछ वीडियो में आपको जैसे लगता है कुछ समझ भी नहीं आया तो इस कारण से आप पहले आप समझिए लॉजिकल वे में समझिए फिर मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों अपना टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे है कि वर्तमान आयु से जाने अपने जीवन का आने वाला समय क्या होगा और कब क्या हो रहा है क्या यह आपका समय अच्छा चल रहा है क्या यह समय आपका ख़राब चल रहा है दोस्तों समय अच्छा या खराब चलने से पहले हम लोग दो, दो बात हमेशा ध्यान कर लेते हैं कि एज अ बेस्ट आप लोग एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वैद्य की कुंडली के हिसाब से पता किसी किसी की कुंडली नहीं अच्छी होती है नहीं पता होता है तो वो लोग कैसे जाने तो ये विधि को देखते हैं आइए चलिए इस विधि में देखते हैं मान लेते हैं कि आपकी वर्तमान आयु क्या है जैसे इस समय करंट टाइम में आपकी वर्तमान आयु मान लेते हैं सत्रह वर्ष चल रही है आपका दो हज़ार में जन्म हुआ था दूसरी बात आपका सत जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है स... इस सब इस सबकी को मालूम कि डेट ऑफ बर्थ क्या होती है सत... जैसे किसी की है सत्रह जनवरी दो हज़ार टाइमिंग नहीं मालूम होता कोई बात नहीं बस डेट ऑफ बर्थ मालूम है जैसे सत्रह जनवरी दो हज़ार मैंने यहाँ पे लिया है तो वर्तमान आयु आपकी सत्रह वर्ष हुई ठीक है तो और दूसरी बात आपका जनवरी में हुआ तो ये आपका आपका महीना हमने लिख दिया है एक जनवरी यानी मतलब जनवरी का है पहला तारीख ब्रैकेट में तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सुर का नंबर आता है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं जितनी भी एज होती है उसमें उस, उस वर्ष का उस वर्ष के महीने का जो होता है नंबर वो ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे एक नंबर सुर का है तो मैंने सूर का एक नंबर ऐड कर लिया है तो सेवनटीन वन प्लस एटीन वर्ष हो गया ठीक है तो ये हमारा अट्ठारह वर्ष मान लिया और आपकी जिसकी जो कोई क्वेश्चन पूछना हो वो उस एज में ये आपका मान लीजिए ठीक है दोस्तों और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपका जन्म तिथि सत्रह है तो सत्रह को अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे एट नंबर ठीक है तो एट नंबर सैटर्न का नंबर होता है और करंट वर्ष यानी कि वर्तमान ईयर जो चल रहा है जैसे यहाँ पे आपका सत आठ है और यहाँ सत्रह दो हजार सत्रह को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो सात आठ और दस दस यानी कि वन आया तो वन जो नंबर होता है वो एब्स के जन्म के हिसाब से तो ये ग्यारह वर्ष कोई आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा मतलब न्यूट्रल रहेगा क्योंकि एक और आठ दोनों दुश्मन हैं तो ये वर्ष ज़्यादा कोई खास नहीं होगा ठीक है उतनी ज़्यादा वो नहीं होगी दूसरी बात अब फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि अब वर्ष किस वर्ष का निकाला अब तो 2018 आने वाला है तो मैंने 2018 के बारे में बताया है तो वर्ष 2018 में हम लोग इसको कर लेते हैं सबसे पहले 2018 को हम लोग सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये क्या आएगा अलेवन नंबर अलेवन को भी सिंगल में किया तो टू यानी कि दो हज़ार अठारह चंद्र का नंबर आता है यानी कि मून का तो इस ईयर शायद चंद्र वाले लोगों को ग्रह के जिसका मून स्ट्रॉन्ग है उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा तो अब इस वर्ष को वर्तमान आयु में ये दो जोड़ लेते हैं तो यानी कि बीस वर्ष ठीक है ये चीज़ हो गया अब आपको ये याद रखना कि कुंडली का जो ग्रह होता है कुंडली का जो नाइन्थ हाउस होता है जैसे कि आपको पता लगाना है कि आपका भाग कब होते होगा तो नाइन्थ हाउस को कुंडली का नाइन्थ हाउस देखते हैं उसका कारक ग्रह जुपिटर होता है ठीक है जुपिटर का नंबर तीन होता है तो बीस में से तीन जोड़ देंगे तेईस वर्ष अब आपको अपनी शादी का समय निकालना है तो उससे कुंडली का सातवां घर जो होता है है उसको वीनस कहते हैं वीनस का हाउस होता है शुक्र नंबर होता है छः तो बीस में छः जोड़ देंगे छब्बीस वर्ष आपकी जॉब निकालना है तो टेंथ टेंथ हाउस देखते हैं टेंथ हाउस का मालिक क्या होता है सैटर्न होता है सैटर्न का नंबर आठ होता है तो बीस में आठ जोड़ देंगे अट्ठाईस वर्ष हो जाएगा दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जैसे जिसकी ये तो मैंने एक नॉर्मल किया जिसकी एज अभी समय चौबीस साल चल रही हो पच्चीस साल चल रही वो कैसे करेंगे तो उनको लिए क्या करना है कि इसको तीन को है तो इस तीन को आप लोग टुकड़ों में तोड़ लीजिए हाफ हाफ तीन का आप कर देंगे तो डेढ़ वर्ष जोड़ लीजिए या फिर वन वन प्लस के वर्ड में वन प्लस वन वन प्लस ऐसे तीन में तोड़ लीजिए छब्बीस को है दो दो के उसमें हाफ करेंगे तीन हो जाएगा तीन तीन में जोड़ लीजिए तीन का और उससे सूच में जानना है तो जितनी एज ज्यादा होगी उस हिसाब से उसको और उतना डिवाइड कर लीजिए एट का है तो इसको हम लोग डिवाइड कर लिए टू से तो चार बार दो चार 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 आठ दो दो इसमें तोड़ लिया तो इस तरह से जोड़ जोड़ के आप निकाल सकते हैं जैसे बी जैसे कि बीस है तो प्लस दो जोड़ लिया फिर बाईस हो गया फिर बाईस में दो जोड़ लिया तो इस तरीके से वर्ष का निकालते रहते हैं ऐसे भाग में ऐसे लग में तो इस तरीके से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए आने वाला समय आपका कैसा होगा लक शादी का टाइम ये सब चीज़ आप निकाल सकते हो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम अगर समझ में नहीं आ रही तो मुझे मेल कर दीजिए नितिन फाइव फोर दोस्तों अनाल करने पर फ़ीस लगेगी थोड़ी सी फीस फ़ीस है बट फ़ीस पे सर्विस है दोस्तों हेल्पफुल चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर ज़रूर ज़रूर दोस्तों और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए